गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हमारे भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित टॉपिक केंद्र राज्य संबंध और केंद्र राज्य संबंधों में हम तीन प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध पढ़ने के बाद में आज हम देखेंगे कि हमारे केंद्र राज्य के जो वित्तीय संबंध है उनमें जो तनाव के जो विषय हैं वित्तीय संबंधित या वित्त से संबंधित वित्तीय मामलों में क्या क्या केंद्र राज्यों के मध्य जो तनाव है उनका आज की कक्षा में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले विधायी संबंध पढ़ाए हैं और प्रशासनिक संबंध पढ़ाए हैं। हमेशा एक कॉमन पर्टिकुलर सब जगह एक फैक्ट आता है कि चौथे आम चुनाव के बाद, चतुर्थ आम चुनाव के बाद, ये जो चौथे आम चुनाव है इसका तात्पर्य ये है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो भूमिका और जो नेतृत्व था इससे भारतीय जनमानस पर कांग्रेस के लिए एक अमिट छाप थी। लेकिन धीरे 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 स्थिति ये हुई कि केंद्र में तो जरूर कांग्रेस की सरकार बनती रही लेकिन राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकार अस्तित्व में आई। अब जब ये गैर कांग्रेसी दलों की सरकार अस्तित्व में आई तो केंद्र की कांग्रेस सरकार से उनका टकराव शुरू हो गया और विशेषकर कब, चौथे आम चुनाव के बाद से 1967-17 के काल से अपन देखते हैं कि केंद्र राज्यों के मध्य विभिन्न विषयों को लेकर, विभिन्न संबंधों को लेकर ये तनाव बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो किस किस प्रकार से एक एक करके मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर करता हूँ। देखिए वित्तीय साधनों के वितरण की जो प्रचलित व्यवस्था है इसको लेकर कई राज्यों के बारे में या किस कई राज्यों के इसके बारे में मतभेद है। अब देखो वर्तमान में जो वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, वित्त आयोग और जो योजना आयोग द्वारा वित्तीय साधनों के वितरण की जो व्यवस्था है उससे अधिकांश राज्य संतुष्ट नहीं है। अब देखो मैं आपको योजना आयोग का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारी मतलब संविधान लागू होने के बाद से लेकर 2015 तक अनवरत रूप से योजना आयोग अस्तित्व में बना रहा। हाँ ये अलग बात है कि 2015 में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने उसको अब पुनर्गठन करके, उसकी पुनर्संरचना करके उसको नीति आयोग में कन्वर्ट किया है और काफ़ी इस योजना आयोग का लोकतांत्रिकरण, विकेंद्रीकरण किया है, राज्यों की आवाज़ को उसमें शामिल किया है। हाँ ये बात है कि कुछ सुधार है लेकिन मैं आपको पुनः इसलिए योजना आयोग का उल्लेख करता हूँ क्योंकि इतने लंबे समय तक, करीब 65 ईयर्स तक योजना आयोग अस्तित्व में रहा है तो उसकी क्या भूमिका रही है ये भी आपको समझना जरूरी है। इसलिए आपको ध्यान रखना योजना आयोग आते ही आपके दिमाग में 2015 से पहले पहले देखना है कि उसकी क्या, उसका रोल रहा है वो समझना आपको। ठीक है, तो ये जो वित्त आयोग और योजना आयोग है इन दोनों को लेकर काफ़ी राज्यों में असंतोष रहा हुआ है। अब ये जो प्रचलित व्यवस्था है उसमें करों से प्राप्त होने वाली आय का प्रधान भाग केंद्रीय कोष में जाता है। अब आप देखो हमारे यहाँ पे जो भी कर व्यवस्था है केंद्र की, राज्य की या केंद्र राज्यों की जो भी है, राज्यों की ये आवाज़ है, राज्यों की ये जो मांग है कि इस जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस से जो भी सबसे ज़्यादा जो मेन इनकम है, जो राजस्व है वो केंद्रीय कोष में जाता है, केंद्र सरकार, संघ सरकार के पास जाता है और अपने लोक कल्याण और जन विकास संबंधित दायित्वों की वृद्धि के बावजूद भी राज्यों के आज आय के जो भी स्रोत हैं बहुत ही अत्यंत अल्प रखे गए। अब देखो लोक कल्याण करना और जन विकास का जो दायित्व है उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है राज्यों के पास लेकिन राज्यों के पास जो आय के या राजस्व के जो स्रोत हैं वो बहुत ही अत्यंत अल्प रखे गए, यहाँ तक कि और भी समय के साथ साथ और भी अल्प होते गए और हमारे पास कार्यभार बढ़ता गया, लोक कल्याण जन विकास की जो हमारी कार्य प्रणाली है वो बढ़ती गई और हमारे राजस्व के स्रोत संकुचित होते गए। इसके परिणाम स्वरूप राज्य की जो योजना है इसकी सफलता बहुत कुछ केंद्रीय अनुदान पर निर्भर हो जाती है। अब राज्य कोई भी योजना चलाता है तो ये भी चलाने से
बात नहीं है, बात यह है कि ये सक्सेस होगी कि नहीं होगी। होगी तो केंद्रीय सरकार द्वारा जो भी राशि मिलती है, जो भी सहायता मिलती है या जो भी अनुदान मिलता है उस पर निर्भर रहता है। अगर कल्पना करो कि गैर कांग्रेसी सरकार है या और भी कोई दूसरी पार्टी की सरकार है और केंद्रीय सरकार से नहीं बन पा रही है तो फिर वो योजना तो अधर में लटकेगी। तो इससे अगर योजना सक्सेसफुल नहीं होती है तो राज्य की जनता राज्य सरकार के विरुद्ध होती है और तो एक प्रकार का तनावपूर्ण मामला हो जाता है। ठीक है, तो ये राज्य की बहुत बड़ी एक मांग रही है, समस्या रही है। आप देखेंगे 1967 के बाद राज्यों की ये एक शिकायत कंटिन्यू रही है कि केंद्र की सरकार राज्यों उन राज्यों की अधिक मदद करती है। मतलब केंद्र की सरकार है वो हमेशा उन राज्यों की मदद करेगा जहाँ केंद्र के शासक दल की सरकार है या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध है। देखो ये आरोप है राज्यों का कि केंद्र की सरकार हमेशा उन सरकार के ज्यादा से ज्यादा सहयोग करती है जहां पर समान सरकार या समान पार्टी की सरकार है। जैसे केंद्र में कांग्रेस है तो राज्यों में भी कांग्रेस, इस प्रकार से ये राज्यों का एक प्रकार का आरोप है। कितना सही है अपन को नहीं जाना, उसमें अपन को समझना है कि ये राज्यों का प्राय आरोप है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के अच्छे संबंध है। अगर दो स्थिति है तो आपको सहायता मिलेगी, लेकिन दोनों स्थिति आपसे नहीं है, आप विरोधी दल के हो या आपका प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध नहीं है, तो फिर आपके मतलब पूरी पूरी सहयोग नहीं मिल सकती, ऐसा राज्यों का आरोप है। ठीक है, योजना आयोग है, योजना आयोग के माध्यम से भी केंद्र राज्य को न केवल नियंत्रण रखता है बल्कि भेदभाव करता है। योजना आयोग राज्यों के साथ भेदभाव करता है। जितनी है हम अनुदान की मांग करते हैं उसके अनुरूप हमारी मांगे पूर्ति होती नहीं और जो मांगे रखते हैं उन मांगों पर अमल भी नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्यों को जो भी दिया जाने वाला अनुदान है और सहायता वो इतनी कम है कि वे अपने बढ़ते हुए दायित्वों को निर्वाह करने में पूरी तरह से असमर्थ है। अपने जो भी दायित्व है उनको निभाने में पूरी तरह से असमर्थ है। राज्य को जो भी दिया जाने वाला अनुदान है वो केंद्र सरकार की स्वविवेक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब राज्य को कितना अनुदान दिया जाए ये राज्य मांग नहीं कर सकते। राज्य मांग नहीं कर सकता है मुझे कितना अनुदान देना है, वो उसकी स्वविवेक की शक्ति है कि वो चाहे उतना दे सकता है। इसलिए राज्य उस पर ये प्रभावी नियंत्रण भी नहीं रख पाते केंद्र पर कि हमें इतना तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये केंद्र का स्वविवेक की मामला है कि वो किसी राज्य को कितनी सहायता प्रदान करना चाहते हैं। तथा राज्यों के बराबर ये भी शिकायत रही है कि केंद्रीय सरकार इन अनुदानों का वितरण करते समय पक्षपातपूर्ण आचरण करती है, अर्थात पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती है। जो भी अनुदान देते हैं किसी को कम किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत ही एकदम ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर, मतलब बहुत ही कम। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जब भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है तो न तो राज्य के हित में होता है न केंद्र के हित में होता है। यह हमारी एक संघात्मक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा लक्षण नहीं माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारी वित्तीय साधनों की जो भी प्रचलित व्यवस्था है उस पर राज्यों की बहुत बड़ी मतलब असंतोष है और इसमें निराकरण करने की एक आवश्यकता बनती है, क्योंकि राज्य ये मानते हैं कि लोक कल्याण की ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जबकि लोक कल्याण कैसे करें क्योंकि हमारे पास इतना न संसाधन है न इतना रुपया है न राजस्व है तो कैसे करेंगे, क्योंकि जो जितने भी बड़े बड़े टैक्सेज है जिनसे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है वो तो केंद्र के पास है। इसलिए हमको हर बार हर मामले में केंद्र की तरफ देखना पड़ता है, केंद्र की तरफ झांकना पड़ता है। केंद्र देगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इसलिए बहुत बड़ा एक समस्या का ये मतलब आपस में तनाव का एक कारण बना हुआ है वित्तीय साधनों के वितरण की प्रचलित व्यवस्था। स्पष्ट हो गया। अगला देखते हैं राज्यों की ऋणग्रस्तता। देखो हमारे यहाँ पर भारत के जो भी राज्य हैं सबकी एक जैसी समान आर्थिक व्यवस्था नहीं है या अर्थव्यवस्था नहीं है। कोई राज्य बहुत ही अच्छा अपना आर्थिक विकास कर चुके कुछ कर रहे हैं और कुछ आज भी बहुत पिछड़े हुए राज्य हैं, प्राय बीमारू राज्य के रूप में जाने जाते हैं। अब समस्या ये रहती है कि अपना शासन व्यवस्था के लिए जो भी या जो भी अपने लोक कल्याण के लिए या आर्थिक वृद्धि के लिए किस प्रकार से कार्यक्रम चलाए इस समस्या बनी रहती है। आप देखेंगे पिछले वर्षों से राज्य धीरे धीरे किंतु अधिकारित रूप से वित्तीय साधनों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होते चले गए। आप देखेंगे भले ही धीरे धीरे हो लेकिन बहुत ही अधिक मात्रा में वित्तीय साधनों के लिए
किस पर निर्भर होते गए? केंद्र की सरकार पर, संघ सरकार पर निर्भर होते चले गए। लगभग पिछले 6 दशकों में राज्यों की ऋण ग्रस्तता में इतनी लगातार वृद्धि हुई है, राज्यों के जो उनके ऊपर जो ऋण अर्थात लोन इतना बढ़ चुका है और केंद्र के साथ राज्यों की ऋण ग्रस्तता अब इस स्थिति में पहुंच गई है कि ऋण की अदायगी और ब्याज की रकम मिलाकर नई केंद्रीय सहायता से अधिक हो जाती है। मतलब सोचो आप, इतनी ऋण ग्रस्तता बढ़ गई है कि अगर उस लोन अर्थात ऋण की जो वापस अदायगी करें और उस पर जो ब्याज लगता है उसकी रकम मिलाकर एक प्रकार की नई केंद्रीय सहायता से भी बढ़कर हो जाती है, तो मतलब जो भी साधन है उनका वितरण है वो विपरीत दिशा में चला जाता है। कंडीशन तो यहां तक पहुंच चुकी है कि लोन को चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, ऋण को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कुछ राज्यों की ऐसी प्रकृति रही है, ऋणम कृतुम घृत प्रीतुम, ऋण करो घी पियो, 5 साल चुनाव होते खूब पैसा लाओ खर्च करो और चले जाओ, कर्म फूटे अगली सरकार भुगतेगी। अब अगली सरकार है वो भी ये क्या सोचे, वो भी इस प्रकार से ज्यादा इधर उधर जो भी एजेंसियां हैं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जहां पे राज्य है जहां से भी उनको जो ऋण के लिए जो प्रावधान है संवैधानिक उस व्यवस्था के अनुसार ऋण प्राप्त करेगी चलेगी। समस्या तो यहाँ तक आ चुकी है कि अब तो ऋण चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ता है, तो सोचो ऐसी सरकार कैसे कर पाएगी लोक कल्याण जन कल्याण के कार्यक्रम, कैसे वो इन सभी इस अविकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा, बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इसलिए कुछ राज्यों की कमी है कि जो भी जिस प्रकार से ऋण जो मिला उसका सही ढंग से सदुपयोग भी नहीं हो पाता है, भ्रष्टाचार की ओर बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो स्थिति बहुत ही एक विपरीत परिस्थिति में जा चुकी है, इसलिए यह जो स्थिति है ये न तो परिपक्व है न संतुलित है, इसलिए केंद्र राज्य संबंधों के लिए बहुत बड़ा एक तनाव का कारण बना हुआ है कि राज्यों की दिन प्रतिदिन जो ऋण ग्रस्तता है बढ़ती जा रही है उसको रोकना बेहद जरूरी है। अगर नहीं रुका तो राज्य का पूरी तरह से ढांचा चरमरा जाएगा और राज्य एक गरीब राज्य की तरह रह जाएगा, इसलिए ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। अगला है वित्त आयोग की भूमिका, फाइनेंशियल कमीशन की जो भूमिका है वो क्या है समझिए आप। आलोचना ये भी है कि केंद्र से हस्तांतरित होने वाली राशि का केवल एक भाग ही वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता है। आप समझिए वित्त आयोग किसके लिए है, केंद्र राज्य के मध्य जो भी राजस्व उसका जो भी सिफारिश करे उसके अनुसार किया जाए, लेकिन होता उलट है। केंद्र राज्यों की जो भी हस्तांतरित जो की जाने वाली राशि है उसका केवल 1/3 भाग ही वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है, जबकि 2/3 भाग है वो वित्त आयोग के क्षेत्र से बाहर है और बंटवारे की पद्धति वो मनमाने ढंग की है। अब चाहे ये बंटवारा योजना आयोग द्वारा क्यों न किया जाता हो, कहना के तात्पर्य वित्त आयोग की पूरी सिफारिशों पर अमल नहीं किया जाता है, वित्त आयोग की जो भी सिफारिश है उसका केवल 1/3 1/3 भाग को स्वीकार करके शेष जो भी 2/3 भाग है उसकी पूरी जो भी अनुदान की जो भी है उसको केंद्र सरकार की मर्जी पे है कि वो जितना चाहे जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से वो राज्यों को दे सकता है। तो ये भी एक संवैधानिक आयोग है, उसकी सिफारिशों को इस प्रकार से नगण्य करना अच्छी बात नहीं मानी जाती। अगला जो विवाद का या तनाव का जो केंद्र बिंदु है वो है आर्थिक आयोजन के संबंध में मतभेद। देखिए योजना आयोग की भूमिका को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में बहुत जबरदस्त तरीके से वृद्धि रही हुई है और हो रही है। राज्यों की ये शिकायत रही है कि योजना आयोग ने उनकी शक्तियों को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है। योजना आयोग एक सुपर कैबिनेट की भूमिका निभाता रहा है और इसने हमारे जो राज्यों की शक्ति है उनको बहुत बड़ा एक नुकसान पहुंचाया है। आप देखेंगे 1967 से राज्यों में केंद्रीय सरकार और योजना आयोग का विरोध करने की जो प्रवृत्ति उभर रही है, किसके खिलाफ राज्यों में केंद्र सरकार और योजना आयोग के खिलाफ जो प्रवृत्ति उभर रही है और राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र से राज्यों की आय के स्रोत को बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, मांग ये भी की जा रही है कि योजना आयोग के कार्यों को सीमित किया जाए तथा अनुदान जो दिए जाए वे सशर्त नहीं होना चाहिए। इसलिए लंबे समय से राज्य मांग कर रहे थे कि योजना आयोग
का एक प्रकार से पुनर्गठन करें, इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है, इसके कार्यों को सीमित करें, क्योंकि एक सुपर कैबिनेट की तरह भूमिका निभा रहा है, ये सही नहीं हमारी एक संघात्मक ढांचे के अनुरूप। और जो भी हमें अनुदान दिए जाएं उसमें किसी प्रकार की कंडीशन नहीं लगाएं, शर्त नहीं लगाएं, ये राज्य के लंबे समय से मांगे। लेकिन एक जो ये योजना आयोग की जो समस्या थी, काफ़ी हद तक नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको उसका समाधान कर चुकी है। योजना आयोग का जनवरी 2015 से इसका पुनर्गठन किया है और योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट किया है, काफ़ी कुछ लोकतांत्रिकीकरण किया है और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी उसमें जगह दी है। तो समझ सकते हैं कि हमारे जो एक केंद्र राज्य के मध्य जो सहयोगी संघवाद है ये एक अच्छे ढंग से आगे बढ़ पा रहा है। इसलिए अब ये समस्या थोड़ी सी कम हो गई है कि जो सुपर कैबिनेट की जो भूमिका निभाता था अब वो नहीं रहा। अगला जो विवादित है वो है अंतर्राज्य व्यापार। देखिए, संविधान के अनुसार अंतर्राज्य व्यापार की नियमन की शक्ति है वो केंद्र सरकार में निहित है। अंतर्राज्य व्यापार की जो नियमन की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार में। अब केंद्र सरकार राष्ट्रीय और राज्य हितों और राज्य विशेष के हितों को समन्वय स्थापित करने के लिए कभी कभी हस्तक्षेप करती है। किस किस के? राष्ट्र के हित और राज्य हित या राज्यों के जो विशेष हित होते हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए कभी कभी हस्तक्षेप करती है और इस केंद्रीय हस्तक्षेप से कुछ राज्य हमेशा नाराज हो जाते हैं और केंद्र राज्य मतभेद उभरते हैं। इसलिए राज्य आरोप लगाते हैं कि जो मतलब केंद्र है वो हमारे मामलों में या हमारे जो विषय हैं उनमें हस्तक्षेप करता है। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे खाद्य नीति है। अब खाद्य नीति वैसे राज्य सूची का विषय है लेकिन केंद्रीय हस्तक्षेप के कारण पंजाब है इस पर लगातार अपनी नाराजगी प्रकट करता रहता है। तो इस प्रकार से कुछ अंतर्राज्यीय विवाद के व्यापार वाणिज्य उद्योग से संबंधित है वहाँ पर भी राज्य को केंद्र से मतभेद हैं। लेकिन ये GST लागू होने के बाद से काफ़ी कुछ समस्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो समझ सकते हैं कि पहले जरूर समस्या थी लेकिन अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब एक आपको समझना है वित्त आयोग, क्योंकि हम वित्तीय संबंधों को पढ़ रहे हैं, वित्तीय संबंधों में जो भी हमारे तनाव के जो मुख्य आधार हैं उनको समझ रहे हैं। तो आपको वित्त आयोग समझना चाहिए कि वित्त आयोग है क्या, आखिर वित्त आयोग की बात करते हैं, वित्त आयोग सिफारिश के लिए हर 5 साल में जो गठित किया जाता है ये संवैधानिक है तो क्या है, कैसे समझिए। आप भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्षों के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर अथवा उससे पूर्व यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो आदेश द्वारा एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे जिसमें एक सभापति या अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। आई बात समझ में? अब इस आयोग का ये कर्तव्य होगा, ये काम होगा कि वह संघ और राज्य के मध्य करों के विभाजन, महत्वपूर्ण है या नहीं, संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन और भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देने, वित्त के स्थायित्व तथा राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए विषयों के संबंध में वो सिफारिश प्रदान करें। आई बात समझ में? इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर 5 साल के बाद में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत में अभी तक 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। 15वां जो वित्त आयोग है वो उसकी अध्यक्षता या उसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं NK सिंह, ठीक है, उनके नेतृत्व में 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। अब ये जो 15वां वित्त आयोग है उसकी जो सिफारिश है वो 2020 से 2025 तक उसकी मान्य होगी, उसके बाद में फिर नेक्स्ट होगा। तो आप ये आपको समझना जरूरी है कि केंद्र राज्यों के मध्य करों के वितरण तथा भारत की संचित निधि से राज्यों का अनुदान देने, वित्त के स्थायित्व और जो भी राष्ट्रपति आवश्यक समझे ऐसे कार्यों के संबंध में वो अपनी सिफारिश से प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये था आपका वित्त आयोग। दूसरा, अब एक प्रश्न ये भी है कि आगे ये जो वित्तीय साधनों के वितरण की जो व्यवस्था है, राज्यों की ऋणग्रस्तता है या वित्त आयोग की बहुत ही जो कमजोर भूमिका है, आर्थिक आयोजन के संबंध में जो मतभेद हैं, आखिर इनका निराकरण कैसे करें? तो कुछ सिफारिशें हैं, कुछ सुझाव हैं कि राज्यों को अपनी वित्तीय क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, तो एक एक करके मैं आपको स्पष्ट कराऊं। सबसे पहले, राज्यों के राजस्व में वृद्धि करने हेतु
कुछ कराधान की जो मदें हैं उन्हें और दी जानी चाहिए जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। सेकेंड है योजनागत और गैर योजनागत अनुदान है उनके अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए और राज्यों को जो आवंटित की जाने वाली अनुदान राशि है देने की जो निश्चित प्रक्रिया है उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। कम ज़्यादा नहीं, जो भी दी जाए वो एक निर्धारित की जाए। तीसरी है कि वित्त आयोग को एक स्थायी संवैधानिक निकाय तो है लेकिन इतना महत्वपूर्ण उसकी भूमिका दी जाए कि किसी भी सरकार को उसकी सिफारिशें कम न करें या उसकी अवहेलना न करें या उसकी जो भी सिफारिश है वो पूर्णतया से सब सरकार लागू करें तथा जो योजना आयोग अर्थात वर्तमान नीति आयोग है उसकी जो प्रभावी भूमिका है वो वित्त आयोग की तुलना में कम हो न कि ज़्यादा हो, इसलिए उसको सुपर कैबिनेट बनने न दिया जाए। चौथी सिफारिश ये है, मतलब सुझाव ये है कि राज्य को जो दिए जाने वाले ऋण है वो संवैधानिक सत्ता द्वारा निश्चित मापदंडों के आधार पर दिए जाए ताकि केंद्र सरकार अनुदान देते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करें। ठीक है, ये कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं जिससे राज्यों की वित्तीय स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। अब देखिए, राज्यों के वित्तीय साधनों में वृद्धि जरूरी है लेकिन इसके लिए स्वयं राज्य सरकारों को भी प्रयत्न करने होंगे। एक और तो उन्हें मित्रता अपनानी जरूरी होगी तो दूसरी ओर सस्ते लोकप्रिय प्राप्त करने के लिए वो चेष्टा छोड़कर वित्तीय साधनों को बढ़ाने तक भी ध्यान दें। ठीक है, इसलिए वित्तीय अधिकारों के मामले में केंद्र राज्यों के बीच किसी प्रकार की विवाद या टकराव की गुंजाइश नहीं है। एक दूसरे के पूर्व बन सकते हैं, दिशा निर्देश देने, तालमेल बैठाने और साधनों के वितरण का काम केंद्र के जिम्मे हो, आर्थिक कार्यक्रम अमल का दायित्व अधिकार राज्यों के अंतर्गत हो तो विवाद का कोई कारण नजर नहीं आता है। इससे जरूरी इस बात की है कि केंद्र और राज्य आपस में तालमेल बैठाते हुए एक दूसरे के पूर्व बनते हुए एक दूसरे के सहभागी बनते हुए एक सहयोगी संघवाद को आगे बढ़ाते हुए जो भी अपने मध्य तनाव के जो कारण हैं वो कोई प्रमुख नहीं है, ये गौण है, इनको समाप्त किया जा सकता है और एक राज्य और केंद्र आपस में मिलकर एक अच्छे भारत का जनकल्याणकारी भारत का लोक कल्याणकारी भारत का निर्माण कर सकते हैं।